नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कौशल्या जी हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं कि समाज में नशा बंद करवाने की मुहिम किस समाज सुधारक ने सबसे ज़्यादा चलाई है, किस समाज सुधार की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों ने नशा छोड़ा है, जानते हैं कौशल्या जी से बात करके। कौशल्या जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कौशल्या जी, आपको क्या लगता है समाज में नशा बंद करवाने की मुहिम किस समाज सुधारक ने सबसे ज़्यादा चलाई है? देखो जी, हमारे तो ये है कि हमारे पिताजी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब, इन्होंने बहुत सुधार किए। इनके हिसाब से सारे नशा बंद है, हमारे समाज में कोई भी नशा नहीं करता। और जब से ये गए हैं तब से तो देखो जो है वो है ही है, पर हमारे गुरुजी सबसे ऊपर है नशा बंद करने में। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब के, क्या एक्चुअली में लोगों ने नशा छोड़ा है उनके साथ जुड़ने के बाद? जी बिल्कुल, सारी बुराइयां छोड़ी है। नशे का क्या, हर चीज़ बुरी, जो बुरी चीज़ है वो हर छोड़ी है। हमने खुद ने जुड़ने के बाद पता चला है ये भी क्या चीज़ है, और हम पहले क्या थे और अब क्या है। क्या किया है उन्होंने समाज के लिए, क्या योगदान दिया है? उन्होंने छोड़ा क्या है, सब भलाई के काम तो किए हैं, लड़कियों से लेके औरतों के लिए, यहाँ तक कि किन्नरों तक तो उन्होंने सुधारा। और क्या चाहिए समाज को, इससे ऊपर क्या चाहिए? एक्चुअली समाज ने वही देखा है जो मीडिया में दिखाया गया था। आप बताइए क्या सच है? जो हम जानते हैं वो हम सच मानते हैं। हम मानते हैं हमारा गुरु जैसा कोई है ही नहीं, हम खुद भी नहीं है उन जैसे, तो हमने इतना जोर लगाया। पर मतलब आप समाज को बताइए कि समाज के लिए फिर उन्होंने क्या काम किए हैं? समाज के लिए उन्होंने बहुत भलाई के काम किए, जैसे वेश्या की शादी करवा दी और नशा छुड़वा दिया, और बेसहारों को घर बना के, जिसके छत नहीं है उनको घर बना के दे रहे हैं, और जो गरीब है उनके सारी मदद कर रहे हैं। हर कोई बहन भाई मदद कर रहा है, जो भी इस जुड़ा संस्था से, वो हर कोई अपनी जान देने को तैयार है। सफाई अभियान देख लो, जहाँ कितनी गंदगी बदबू होती है, अपने घर में कोई काम नहीं करता पर वहाँ जाके हर कोई करता है, ये देखा है ना। हमने भी किया, जहाँ बहुत बदबू आती है फिर भी उसका नाम लेके हमें आती नहीं है वहाँ पर, क्योंकि हम सेवा का रूप देखते हैं, गुरु की बात को हम आगे रखते हैं, उसके बाद हमें कोई बदबू नहीं आती है और कुछ भी गलत हमें दिखता ही नहीं है, हम तो उसके प्यार में खोए हुए हैं जी। क्या एक्चुअली में आपको लगता है समाज को फ़ायदा हुआ है उनके कामों से जिन्होंने काम चलाए हुए हैं? जी फायदा ही फायदा है, घाटा है कहाँ पर है, किसको दिख रहा है घाटा? फायदा ही फायदा तो है, आज तक फायदा ही हुआ है। 4 साल होने वाले हैं अब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, हमारे समाज तो, के ऊपर, समाज के ऊपर? समाज के ऊपर तो देखो सारा देख ही रहे हैं, क्योंकि ये यही तो चाहती थी दुनिया जो अब हो रहा है, पर जो उसे जुड़ा हुआ है वो तो रोकने की कोशिश करता है। जैसे हम तर्स खा रहे भी रुको रुको रुको, पर हमारा कहने का फर्ज अलग है, वो कहते थे उनकी बात अलग थी। इतनी करोड़ों दुनिया को एक बार उन्होंने कह दिया चुप रहे तो शांति हो जाती डेरे में, बल्कि आज कोई एक बच्चा माँ से चुप नहीं रहता, रह सकता है? नहीं रह सकता। और हम गुरुजी कहते कि चुप रहना सारा दिन, तो हम सारा दिन चुप रह लेते। 600 करोड़ दुनिया थी वो सारी चुप रह लेती, ये कोई छोटी बात नहीं है अगर सोचो तो। आजकल 2 बच्चे हैं माँ की नाक में दम कर देते हैं, उसके तो 6 करोड़ थे, वो कर लेता संभाल उनकी। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं दूसरे तरफ, उनके बारे में क्या कहोगे आप? कि वो सारे गलत हैं, बिल्कुल। हम इतने सालों से जा रहे हैं आ रहे हैं सुन रहे हैं, उनके मुंह से ऐसा कभी कोई हमने कुछ नहीं देखा ऐसा, पर हमें तो पता नहीं किसके मन में क्या ख्याल आया तो ये टोके दिया। हमारे लिए तो ये बिल्कुल झूठ है, सब झूठ है। सच क्या है फिर, उनका नेचर है कैसा? उनका नेचर तो उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकता, बहुत अच्छा नेचर है उनका, कौन बयान करते है? हम नहीं कर सकते उनका बयान, हमारी इतनी औकात कहाँ है हम संत की बयान करें। उनका करेक्टर कैसा है? बिल्कुल साफ, दूध से भी साफ। समाज को क्या बताओगे, जो लड़कियां कभी आश्रम में नहीं आई, उन्होंने मीडिया में देखा बहुत अलग चीज़ दिखाई जा रही थी, आप क्या कहोगे उन लड़कियों के दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, क्या बताओगे आप? देखो ऐसे तो लड़कियों को यहाँ से क्या, हर एक जगह से डर बैठा हुआ है, कहाँ से डर नहीं है लड़कियों को, हर जगह डर है। आप सच क्या कहोगे, क्या बताओगे डेरा सच्चा सौदा का, सच क्या है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? हम कहते हैं डेरे में जो सेफ है ना, उतना कहीं भी सेफ नहीं है। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से हम तो यही मांग करेंगे कि गुरु जी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, तो जो ये अब बदलाव आ रहा है ये जल्दी सुधर जाए, क्या हो रहा है दुनिया में,
उसका प्रभाव गलत पड़ रहा है। और अगर वो आगे इतने 6 करोड़ सुधारे थे, अब तो क्या पता कितने करोड़ सुधारेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जनता मांग कर रही है कि झूठे आरोपों में से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सबको फंसाया गया, आज उनकी समाज को, इस देश को सख्त जरूरत है। हमारे समाज की जो लेडीज हैं वो आकर बता रही हैं कि जो समाज सुधारक से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ही एक ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुपा दिया। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते